Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बच्चों कहाँ चले गए सबके सब? हैप्पी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी एनिवर्सरी आए बाबा। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्वी केक। अरे बेटे ये केक इस सब की क्या जरूरत है? हम लोग पता है आप लोग ऑलरेडी केक काट चुके हैं, लेकिन ये हमारी तरफ से है, हमें भी तो केक खाना है। चलो चलो केक काटते हैं। इसकी क्या जरूरत थी? एनिवर्सरी गिफ्ट। घर से निकल रहा हूँ, यू गाइस बी ऑन योर वे। ओके सर। लेकिन लेकिन क्या सर? वो मीटिंग। हाँ सर, वो कल रात मैंने आपको फोन किया था, तभी आपकी वाइफ ने कहा कि सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। व्हाट? जी सर। ओके यू नो व्हाट, इट्स नॉट टू लेट, सारी की सारी मीटिंग्स रीशेड्यूल करो, मैं आ रहा हूँ। सर रीशेड्यूल करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी तक क्लाइंट्स को मीटिंग कैंसिलेशन के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया है। फैबुलस, सुपर। तो जस्ट बी ऑन योर वे, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर। I'll see you. Okay? Dad? Itni subah subah? Morning? Mujhe laga mera beta subah subah ek meeting ke liye ja raha hai. I must wish him the best and keep him company. Sweet. Oh, we so rahi thi. So I thought, mujhe yahan hona chahiye. Yeah, milk. Milk? तुम्हारी माँ की कमी मुझे भी महसूस हो रही है, उनको ये करना चाहिए था, लेकिन अब जब वो यहाँ नहीं है तो मैं कर रहा हूँ, या करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे यू नो व्हाट डैड, आई डोंट थिंक कि आपने अपने मॉम की कमी मुझे कभी महसूस होने दी। अगर मॉम यहाँ होती तो इसमें चॉकलेट जरूर डालती। तुम जानते हो तुम्हें मैं तुम्हारी माँ की याद क्यों दिलाता रहता हूँ? क्यों? क्योंकि ये सब बातें मैंने उनसे ही सीखी हैं। आई हैड नो क्लू परिवार में किस तरह से बिहेव करते हैं, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। लेफ्ट टू मी, मैं तो तुम्हें बेस्ट विशेस देने भी नहीं आता, बिकॉज आई नो तुम मीटिंग के लिए जा रहे हो, जाहिर है अच्छा ही कुछ करके आओगे। नो नो नो, आई थिंक मुझे आपकी आपकी ब्लेसिंग्स और आपके आशीर्वाद की हर मीटिंग से पहले बहुत ज्यादा जरूरत है। आई नीड इट राइट हियर।
naughty boy. All my best wishes are always with you. Thank you, Dad. अरे अर्चना, आज तुम दोनों की शादी की सालगिरह है ना? जी। आज के दिन भी इतना जल्दी उठकर पानी भरने के लिए आ गई? अरे मैं और मेरे पति तो सालगिरह के दिन कोई भी काम नहीं करते, बस एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। अरे ये दिन तो बहुत खास होता है और इस दिन को और भी खास बनाना चाहिए। वैसे तुम लोग तो बहुत अमीर हो, दुनिया की कोई भी खुशी खरीद सकते हो। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग अभी तक इस स्टॉल में क्या कर रहे हो? अभी तो कोई बंगलो क्यों नहीं खरीदा? अरे भाई इतना पैसे बचा कर क्या करोगी? सवाल पैसे बचाने का नहीं, सवाल है इस स्टॉल से जुड़ी हमारी जिंदगी का, हमारी यादों का। मैं बचपन से इसी चौल में रहा हूँ और इसी चौल में रहकर मानव देशमुख से, जैसे आपने कहा कि बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसे आ गए, तो मानव देशमुख बना। जहां से मैंने शुरुआत की मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, और जहां तक यहां इसी चौल में रहने का सवाल है तो हमें आप लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। यहाँ के छोटे छोटे झगड़े, यहाँ के त्योहार और आप लोगों का प्यार, ये सब किसी बंगलों में कहाँ देखने को मिलेगा। और काकी जहाँ तक मेरी बात है, मेरा इस शॉल से बहुत पुराना रिश्ता है। आप तो जानती हैं, शादी के बाद मैंने पहला कदम इस शॉल में रखा था। तब से इस शॉल से और आप लोगों से बहुत अटूट नाता जुड़ गया। इस शॉल में मैंने कई अच्छाई कई बुराइयाँ देखी, मेरी जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे। मैं मानती हूँ काकी कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन इन पैसों से हम हमारी खुशियाँ नहीं खरीद सकते। और हमारी खुशी इसी चौल में रहने में, हम तभी खुश थे जब हम गरीब थे और हम इसी खुशी के साथ अपनी सालगिरह मनाया करते थे। और आज भी हम वाकई में खुश हैं। और सच कहूँ काकी, हमारा आप लोगों के बिना मन ही नहीं लगेगा, इसीलिए हम आप लोगों को छोड़ के ही नहीं जाना चाहते, है ना माना? जिंदगी कैसे जी जाती है ये तुम दोनों से सीखना चाहिए। भगवान तुम दोनों के रिश्ते को लंबी उम्र दे। ओके, आई एम रेडी, लेट्स गो। अरे सनी दिक्रा, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहा है तू? ये तो बोल, आज शाम को पार्टी है ना? हाँ। तो उसी की तैयारी शुरू कर रहे हैं। ले कर ले बात। अरे वो तो हमने कब से शुरुआत कर दी है, आज स्नेक भी बन गए हैं और तुझे पता है खाने की चीज भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है सब। हाँ, अरे सुबह से स्नेहलता दुकान में वही कर रही है और मैं यहाँ पे यही। मासी, हाँ। कैटरिंग की बात नहीं कर रहे हैं तो? तेजू को डेकोरेशन में भी हेल्प चाहिए, सो मैंने सोचा अपने पहचान वाले किसी डेकोरेटर से मिला देता हूँ और इसे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। अरे वाह, ऐसी बातें तो एक काम करना, अपने दिलीप भाई है ना, हाँ उसके पास लेके जाना, एकदम बेस्ट बेस्ट आदमी है ये काम के लिए। हाँ मौसी, मैं जानता हूँ कि इस काम के लिए कौन बेस्ट है। डोंट वरी, मैं तेजू को बिल्कुल सही जगह ले जाऊंगा। आप बस हमारी दुकान के बारे में सोचिए। दुकान? दुकान से याद आया, अरे मेरे को दुकान पे जाने का है। वो स्नेहलता सुबह से बिचारी अकेले अकेले दुकान में काम कर रही है, लेकिन मैं जाऊँ कैसे बेटा? ये इतना बातू नहीं है ना, मेरे को देखता है और बात करना शुरू कर देता है। अरे बात करना बंद कर, मेरे को जाने का है। खड़ा क्या है? जा भाई, तो मैं दुकान पे जाऊँ। और सुन तेजू, एक बात बोल देती हूँ, कुछ भी जरूरत पड़े ना मेरे को बोल देना, मैं फटाक से सब अरेंज कर दूंगी। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम, चलती हूँ। ठीक है, अच्छा जाना। हाँ, ओहो इतना काम है। मैम आप टेंशन फ्री हो जाइए, डेकोरेशन की सारी जिम्मेदारी हमारी। सनी हमारे रेगुलर कस्टमर है और आप इनके साथ आई हैं, तो आपके फंक्शन को तो मैं अपना फंक्शन समझकर ही काम करूंगा। थैंक यू सो मच, लेकिन पैसे। डोंट वरी, दिलीप भाई तुमसे ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे, इनसे मैं डिस्कस करके तुम्हें अमाउंट बता दूंगा। थैंक यू भाई, चलें। थैंक्स सनी, ये तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया, तुमने इस फंक्शन के लिए प्रोफेशनल डेकोरेटर्स जो हायर किए हैं। लेकिन सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा। मतलब सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, मतलब आई मीन अब
मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की है तो बदले में तुम्हें भी Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।